बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देते हुए महिलाओं के अस्तित्व का सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम लॉयंस क्लब ने आयोजित किया था। कार्यक्रम में पौराणिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की सभी महिलाओं और वीरांगनाओं के बलिदान और उनकी उपलब्धियों को याद किया गया। कार्यक्रम में जहां एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को याद किया गया, तो वहीं आज की बेटियों ने जिस मुकाम को छुआ है उसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। महिलाओं की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में रानी पद्मावती जैसी रानियों को भी याद किया गया। साथ ही इंदिरा गांधी और सुषमा स्वराज के साथ फिल्मी जगत की हस्तियों और खेल जगत में नाम कमाने वाली बेटियों को भी आदर्श मानकर प्रस्तुतियां रखी गईं। हमने आज की ये थीम चुनी नारी शक्ति के अनेक रूप, तो इसमें हम आदि काल से आधुनिक नारी इसके अभी तक के रूप दिखा रहे हैं। एक तरफ तो हम प्रेरणा दे रहे हैं कि किस तरह से हमारे इतिहास की जो नारियाँ हैं वो हमको किस तरह से प्रेरित करती हैं, उसके बाद हम ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से नारी की स्थिति में बदलाव आया है और एट प्रेजेंट जो नारी की स्थिति है जिसमें वो थोड़ी सी दबाई जा रही है, या जो भ्रूण कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो समस्या है जिसके लिए मोदी जी को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा बुलंद करना पड़ा, तो इसका भी असर हमारी महिलाओं पर कैसे रहे कि हम इस दिशा में भी किस तरह से पहल कर पाएँ कि लोगों को जागृत करें कि हमारी बेटियां भी जो हैं वो कितनी ज़रूरी हैं। हमारी बेटियां बचेंगी, हमारी बेटियां पढ़ेंगी, तभी हमारा देश विकास कर पाएगा और हम आधुनिक कहलाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम को प्रमोट करते हुए इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ हो रहे जुर्म को भी दर्शाने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम में महिलाओं को प्रेरणा दी गई कि महिलाएं सिर्फ घर में चूल्हे चौके के लिए ही नहीं बनी हैं, बल्कि अपने हुनर से व्यवसाय भी चला सकती हैं। कार्यक्रम के जरिए संदेश दिया गया कि महिलाओं को घरों में पीढ़ियों से जकड़ कर रखा जाता है, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे भी हर एक मुकाम हासिल कर सकती हैं। न्यूज़ डेस्क।